नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं भी ऑनलाइन अर्निंग मेथड्स का यूज़ करता हूँ और उनमें से क्लिकबैंक भी एक है। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा 3 फ्री मेथड्स जिसको यूज़ करके आप भी क्लिकबैंक से या किसी और एफिलिएट नेटवर्क से पैसे कमा सकते हैं। और ये मेथड आपके लिए ख़ास तौर पर यूज़फुल होंगे अगर आप एक बिगनर हैं या बिगिन करने की सोच रहे हैं या अभी अभी आपने कुछ पैसा कमाना शुरू किया है। और ये मेथड आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे क्लिकबैंक के लिए, अपने खुद के प्रोडक्ट के लिए या क्लिकबैंक के अलावा दूसरे एफिलिएट प्रोडक्ट्स के लिए, जैसे कि अमेज़ॉन, मार्केट हेल्थ एट्सेट्रा। तो आइए सबसे पहले मैं आपको अपनी अर्निंग्स का प्रूफ दिखाता हूँ, जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि ये फ्री मेथड यूज़ करने से भी कमाई की जा सकती है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फुल टाइम एफिलिएट मार्केटर नहीं हूँ। मैं केवल दिन में थोड़ा सा समय देता हूँ और उससे भी मुझे अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो आइए चलते हैं क्लिकबैंक अकाउंट में और लॉगिन करते हैं। तो ये आ गए हम क्लिकबैंक की वेबसाइट पर। मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। लीजिए, मैं ऑलमोस्ट लॉगिन कर चुका हूं और अब हम देखते हैं कि मेरी अर्निंग्स। जी हाँ, ये है मेरी अर्निंग्स का प्रूफ। अगर आप चाहें तो एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं। ये लीजिए, मैंने रिफ्रेश किया। मैं एक बार और आपके लिए रिफ्रेश कर देता हूं। तो जैसे कि क्लिकबैंक दिखा रहा है कि 29 नवंबर को मेरी अर्निंग थी $33.18। उसके बाद 2 दिसंबर को $98.44, 3 दिसंबर को $23.98, 10 दिसंबर को $33.18, 11 दिसंबर को $54.29। मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मैं सारा समय एफिलिएट मार्केटिंग में नहीं देता हूँ, बस थोड़ा सा ही समय देता हूँ। और इस सब को अगर टोटल किया जाए तो ये $250 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और ये एक अच्छी खासी मेरे लिए साइड इनकम है, क्योंकि कभी कभी मैं $500 से $1,000 तक भी पहुंच जाता हूं। तो आइए अब हम वापस देखते हैं कि कौन कौन से मेथड यूज़ मैंने किए हैं। तो मेरा सबसे पहला मेथड है फेसबुक। तो अब मैं आपको फेसबुक को कैसे इस्तेमाल करके हम क्लिकबैंक पे अर्निंग कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाऊँगा। पर उससे पहले हम चाहेंगे कि हम एक प्रोडक्ट को चूज़ कर लें क्लिकबैंक से और उसको लेकर एक लैंडिंग पेज बना लें। तो आइए एक बार क्लिकबैंक की वेबसाइट पर फिर से चलते हैं। तो मैंने मार्केट प्लेस पर क्लिक किया और मैं ग्रेविटी और पॉपुलैरिटी दोनों को चेक करता हूं और इस वीडियो के पर्पस के लिए हम लेंगे मैनिफेस्टेशन मैजिक का एग्जाम्पल। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी पे क्लिक किया और ये सबसे पहला प्रोडक्ट आ गया। अब ये रहा इस प्रोडक्ट का व्यू जब कोई भी आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करेगा। और मैंने भी, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैंने एक हॉप लिंक को जनरेट किया है और उस हॉप लिंक को मैंने लैंडिंग पेज में डाल दिया है। इस हॉप लिंक को मैंने कॉपी करके मैंने अपने लैंडिंग पेज में डाल दिया है और मैं आपको अब अपना लैंडिंग पेज दिखाऊंगा। तो ये है मैनिफेस्टेशन मैजिक के लिए लैंडिंग पेज। जो भी इस पे आएगा उस पे क्लिक करेगा वॉच वीडियो पे, अब विजिटर को रीडायरेक्ट कर देगा मैनिफेस्टेशन मैजिक के VSL पे, यानी कि वीडियो सेलिंग पेज के ऊपर। अब हमारे पास सब कुछ तैयार हो गया है। ये हॉप लिंक है और इस हॉप लिंक को हमने लैंडिंग पेज के अंदर डाल दिया है और ये है मैटर। अब चलते हैं फेसबुक ग्रुप्स की ओर। तो ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप किया और मैंने ग्रुप्स को चूज़ किया और ये कुछ ग्रुप्स आ गए। इनमें से मैंने एक या दो ग्रुप्स पहले से ही खोल के रखे हुए हैं। आइए अब देखते हैं कि हम पोस्ट कैसे करते हैं। तो ये मैंने मैटर को उठाया और ये मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया। देखिए इसका असर क्या होता है, थोड़ा सा
मैं इसको पढ़ देता हूं, अगर आपकी स्क्रीन पर साफ नहीं आ रहा है तो। मैंने ये मैटर पहले से तैयार करके रखा था जो कहता है, आवर सबकॉन्शियस माइंड हैज अमेजिंग पावर्स, यूनिवर्स इज अबंडेंट इन एवरीथिंग, इफ द सबकॉन्शियस माइंड इज एबल टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स यू कैन अट्रैक्ट अनलिमिटेड अबंडेंस इन योर लाइफ, लर्न हाउ टू टैप इन टू अबंडेंस। और ये वही लिंक है जो हमारे लैंडिंग पेज का लिंक है और इसको हमने कर दिया पोस्ट। ये देखिए पोस्ट अपलोड हो गई है। तो जो भी व्यक्ति जो सीखना चाहते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड या यूनिवर्स को कैसे टैप करते हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो इस पे ज़रूर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद वो कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे लैंडिंग पेज पर। और लैंडिंग पेज पे जब वो वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चले जाएंगे एफिलिएट पेज के ऊपर। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। मेथड वन है फेसबुक, जिसमें आपको अपने निश से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, और उसके बाद बेहतर होगा कि अपने लिए एक पेज और एक ग्रुप भी आप तैयार कर लें और उसके बाद फ्रीक्वेंटली आप पोस्ट करते रहें। आइए अब हम मेथड नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं, वह है इंस्टाग्राम। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि लैंडिंग पेजेस दोनों तरह के हो सकते हैं, फ्री और पेड। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं वह सिखाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मैं ज़रूर आपके लिए लैंडिंग पेज अलग अलग तरह के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे कैसे बनाते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम में जाने से पहले हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, एक लिंक जो कि हमारे पास मौजूद है। दूसरा, कंटेंट। तीसरा, हैशटैग होने चाहिए। और चौथा, एक इमेज होनी ही चाहिए। तो लीजिए हम एक छोटे से इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाते हैं जिसको मैंने पहले से खोला हुआ है और ये डेमो परपसेस के लिए है क्योंकि ये बहुत छोटा है। और इस अकाउंट में अब मैं एक इमेज पोस्ट करके दिखाऊंगा जिसको मैंने पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है। ये मैंने कर दी लिंक पोस्ट और अब मैं इसका कंटेंट डालने जा रहा हूं। ये कंटेंट मैंने पहले से ही लिखा हुआ था और इसको मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। ये लीजिए पोस्ट हो गया, ये पोस्ट हो गया। मैं आपको कंटेंट भी पढ़ के सुना देता हूं। ये कंटेंट कहता है, आवर सबकॉन्शियस माइंड हैज अमेजिंग पावर्स, यूनिवर्स इज अबंडेंट इन एवरीथिंग, इफ द सबकॉन्शियस माइंड इज एबल टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स यू कैन अट्रैक्ट अनलिमिटेड अबंडेंस इन योर लाइफ, क्लिक लिंक इन बायो इफ यू टू वुड लाइक टू लर्न हाउ टू टैप इन टू अबंडेंस। और ये मैंने सिर्फ चार हैशटैग का इस्तेमाल किया है। अब लिंक कहां से आएगा, लीजिए मैं लिंक डालता हूं। ये मैंने किया कॉपी और ये मैं गया एडिट प्रोफाइल पे और ये मेरी जो वेबसाइट है इस पे मैंने किया पेस्ट और इसको मैंने किया सेव। ये लिंक हमारे बायो में सेव हो गया और ये रही पोस्ट, जिस पोस्ट पे लिखा हुआ है क्लिक लिंक इन बायो टू रिसीव। और इस पे जो भी क्लिक करेगा वो हमारे लैंडिंग पेज पे जाएगा और वीडियो देखने के लिए जब वो वॉच पे क्लिक करेगा तो वो एफिलिएट के पेज यानी कि VSL पर जाएंगे। तो अब थर्ड मेथड पर जाने से पहले हम जल्दी से इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इंस्टाग्राम में कैसे उस ट्रैफिक को फ़ायदे में लेना है। तो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आप अकाउंट बनाएं अगर आपका अभी तक अकाउंट नहीं है। और उसके बाद मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा, हालांकि ये कोई किताब में लिखा नहीं हुआ है, कि आप कम से कम 1000 फॉलोअर्स जब तक ना हो जाए तब तक आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू ना करें और फिर उस पर रेगुलरली पोस्ट डालते रहें और अपने फॉलोअर्स बढ़ाते रहें, जिसके लिए रिकमेंडेड मेथड्स हैं फॉलो अनफॉलो वगैरह। इसके लिए आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम अकाउंट, पर अभी के लिए हम अब आगे बढ़ना चाहेंगे। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गया कि आप जो एफिलिएट लिंक है वो पोस्ट पे नहीं लगा सकते हैं, वो बायो में दे सकते हैं। और बायो में भी आपको डायरेक्ट लिंक नहीं देना चाहिए, लैंडिंग पेज का लिंक देना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ें। अब तीसरा और आखिरी मेथड इस वीडियो का है पिंट्रस्ट। तो पिंट्रस्ट आप जानते ही होंगे और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पिंट्रस्ट पे अकाउंट बना लीजिए और उसके बाद
बनाने के बाद या अगर आप पहले से ही बना चुके हैं तो कम से कम 5 से 10 बोर्ड होने चाहिए। और फिक्र नहीं करिए, मैं अभी आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। और हर एक बोर्ड में कम से कम 30 से 40 पिंस होने चाहिए, और ये बोर्ड्स और पिंस आपके निश से रिलेटेड होने चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं मेरे पिन इंटरेस्ट के अकाउंट के ऊपर। तो ये है मेरा पिन इंटरेस्ट का एक अकाउंट, और जिसमें ये हैं बोर्ड्स। आप देखेंगे कि मेरे पास 63 बोर्ड्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पे, और कुछ सब्जेक्ट्स एक दूसरे से मिलते भी हैं। और ये गए हम पिंस पे, और पिंस पे आप देखेंगे कि मैंने बहुत सारे पिंस लगाए हुए हैं। आइए अब हम एक पिन डालते हैं जिसको मैंने पहले से तैयार कर लिया है, और कंटेंट को भी मैंने पहले से तैयार कर लिया है। इसके लिए अब हम इस प्लस वाले निशान पे जाएंगे और लिखेंगे क्रिएट पिन, और आप देखेंगे कि मैं पिन लगाने जा रहा हूँ। ये मैंने पिन लगा दिया, और अब मैं कंटेंट डालने जा रहा हूँ। ये कंटेंट भी मैं आपको अभी पढ़ के सुनाऊंगा। तो मैं पढ़ देता हूं, इसका टाइटल है वुड यू लाइक टू लर्न हाउ टू टैप इनटू अबंडेंस, और अंदर का कंटेंट है वुड यू लाइक टू लर्न हाउ टू टैप इनटू अबंडेंस। आवर सबकॉन्शियस माइंड हैज अमेजिंग पावर्स, यूनिवर्स इज अबंडेंट इन एवरीथिंग। If the subconscious mind is able to connect with the universe, you can attract unlimited abundance in your life. Hashtag abundance, hashtag law of attraction, hashtag subconscious mind manifestation. और मेरा तजुर्बा ये कहता है कि यहाँ पर बिटली जैसे शॉर्ट लिंक नहीं चलते हैं, तो मैंने नीचे पूरा लिंक डाल दिया है। अब मैं इसको पब्लिश करने जा रहा हूँ अपने किसी एक बोर्ड पे। ये मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बोर्ड बनाया हुआ है, उसमें मैं पब्लिश करने जा रहा हूं। शुरू में पिन इंटरेस्ट थोड़ा सा समय जरूर लेता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए हमारा पिन पब्लिश हो चुका है, और इस पे हम क्लिक करके भी देखते हैं कि क्या ये लेके जाता है हमें कि नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये हमें वहां पर ले गया हमारे लैंडिंग पेज पे। तो आइए अब हम एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने आज इस वीडियो में क्या सीखा। पिंट्रस्ट का मेथड, इसमें मैंने कहा कि आप अकाउंट को क्रिएट करें अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, कम से कम 5 से 10 बोर्ड होने चाहिए अगर आप ट्रैफिक को अपनी तरफ लाना चाहते हैं, और हर बोर्ड में 30 से 40 पिंस होने चाहिए, और डालते रहिएगा। ये नहीं कि ये पिंस हो गए तो अब और डाल के क्या करेंगे। तो दोस्तों ये थे 3 मेथड, इससे मैंने 250 से भी ज़्यादा डॉलर्स कमाए, और वो भी बहुत कम समय देने पर। अगर आप पर समय ज़्यादा है और बजट की कमी है तो आप ऐसे फ्री मेथड को यूज़ करके 250 से भी बहुत अधिक कमा सकते हैं। तो बस अब जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही एक और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी ज़रूर क्लिक करें। अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ क्लियर नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम ज़रूर उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।